मानपुर से जब एक बार फिर पत्थलगड़ी की चिंगारी सुलगती दिख रही है और इस बार बस्तर की वादियों में आबूझमाड़ के घने जंगलों के बीच आदिवासियों और उद्योग प्रथा पत्थलगड़ी की गूंज सुनने को मिली है। राजस्व जिला कोंडागांव और पुलिस जिला नारायणपुर अंतर्गत आने वाले ग्राम बेजा में रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा का आयोजन किया गया। सैकड़ों आदिवासियों ने यहां पर जुटकर पत्थलगड़ी की स्थापना की। वहीं समाज के वरिष्ठ बुद्धिजीवियों ने समाजजनों को पांचवी अनुसूची और पेशा कानून समेत आदिवासियों को प्राप्त अधिकारों समेत जल जंगल जमीन की रक्षा का पाठ भी पढ़ाया। हरियाली का चादर ओढ़े बस्तर में माओवादियों का गढ़ कहे जाने वाले आबूझमाड़ के घने जंगलों के बीच आदिवासियों की रूढ़ी ग्राम सभा और पत्थलगड़ी की स्थापना इस बात को जाहिर करने के लिए काफी है कि एक बार फिर क्षेत्र के आदिवासी पेशा कानून और पांचवी अनुसूची अपने क्षेत्र में लागू करने के लिए मुखर होने लगे हैं। आगे देखना दिलचस्प होगा कि आदिवासियों के इस कदम पर सरकार का रुख क्या होगा। प्रमोद निर्मल, स्वराज एक्सप्रेस, बेचा। मांग करते हैं कि हमारे जो पांचवी सूची पेशा कानून तो ऑलरेडी संविधान के द्वारा सरकार के द्वारा दिया गया है, फिर भी शासन के उसको ग्राम स्तर तक या गांव स्तर तक अभी तक इसका पहुंच नहीं हुआ है। हमारे लोग भी इस चीज को थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको जो अधिकार है उसके बारे में भी थोड़ा अनगण्य है, मतलब नहीं जानते हैं। यहाँ पर पत्थलगड़ी होना चाहिए क्योंकि हम लोग पांचवें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर पेशा कानून लागू है, तो यहाँ पर हम लोगों ने शुरू कर दिया है पत्थलगड़ी। और आज इस क्षेत्र के जनता दिखा दिया है कि हमारा भी संगठन है।